ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के थे, गोलियां बरसाने के नहीं। सभी के सभी बेकसूर विद्यार्थी थे और एक फर्जी एनकाउंटर था। अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है। संजय कुमार इज अ मॉन्स्टर। केके को गोली कैसे लगी? उन लड़कों ने मारी। Are you asking me that? जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? हाँ। बेकसूर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का मैंने, बेकसूर नहीं का। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो तुम आईएम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। बाटला हाउस मैटर में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंस मेडल दिया जाए। केस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल, सरकार गिर सकती है। एक टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है। दिल्ली से ऑर्डर आया है। कम से कम यहाँ तो सच बताइए। किसे सच सुनना है आपको? एक पुलिस वाले से? कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी आपने? आपका सच और मेरा सच एक कैसे हो सकता है? आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग, नथिंग। सस्पेंड होने के बस इतना करीब हो तो मैं इस केस से जुड़े एक एक को कोर्ट में दोषी साबित कर पाऊंगा। चले कहा? जीत में। देश सब एक चुटकी में धुआं ऐसे। वो चुटकी तो शायद पहले कब की बच चुकी है सर, और धुआं आप सबको सच देखने से रोक रहा है। आओ मेरे कान। If this movie is half as loud as this trailer, it's going to be a difficult deal. मुझे लगा, मैं ज़्यादा expect कर रहा था कि इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। Incident बहुत कम दिखाया trailer में और उसके ऊपर की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। But the thing is, I'm kind of happy that I'm a little underwhelmed by the trailer. क्योंकि इंसिडेंट इतना कंट्रोवर्शियल है ना, उसको अगर आप फर्दर ड्रामेटाइज करोगे तो उस पर मूवी बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। सो इफ दे एक्चुअली मैनेज टू कीप द एसेंस ऑफ द इंसिडेंट एंड स्टिल कीप इट अंडरस्टेटेड ना, तो मजा आएगा। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मूवी में एक्चुअल में दिखाएंगे क्या। हाँ पॉइंट, लाइक स्टैंड लेना मुश्किल है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हज़ारों न्यूज़ रिपोर्ट्स, हज़ारों चीज़ें, हज़ारों प्रोटेस्ट हो चुके हैं इस मामले में। तो मूवी स्टैंड कौन सा लेगी, एट ऑल स्टैंड लेगी भी या नहीं, दैट वुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। जॉन अब्राहम कैसा लगा ट्रेलर में? ये जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते वाली फील भी आ रही थी इसमें। मतलब इसमें तो डिफरेंट कुछ हो भी नहीं सकता, तो मतलब जॉन अब्राहम का कैरेक्टर डिफाइंड है पहले से कि कैसा होना चाहिए था, वो वैसा ही कर दिया है तो व्हिच इज अ गुड थिंग। बाय द वे आई विल टेल यू मुझे पूरे ट्रेलर में किस किस मूवी की झलक दिखी और बहुत स्ट्रॉन्गली दिखी। एक तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंसिडेंट शूट आउट एट लोखंड वाला ऑफकोर्स याद आएगा, वो इन्वेस्टिगेशन वाला थिंग। आई थिंक शूट भी वैसे ही हुआ, लाइक फ्लैशबैक में, इन्वेस्टिगेशन में फ्लैशबैक में किसी को पूरी स्टोरी बता रहे हैं। सो देयर यू गो, शूट ये शूट आउट एट लोखंड वाला। जो ओपनिंग सीन है ट्रेलर का, दैट्स वेरी, आई डोंट नो किस वजह से, बट इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द सीन फ्रॉम मुल्क जहाँ पे रजत शर्मा वो प्रतीक बब्बर का इनकाउंटर करने जा रहे हैं। दैट होल सीन, द कैमरा एंगल, द कलर पैलेट, एवरीथिंग लुक्स इनक्रेडिबली सिमिलर। उसकी झलक है, अगेन आई डोंट नो बिकॉज नोरा फतेही सेम कॉस्ट्यूम में नाच रही है बोल के या नहीं, बट मुझे साथ में विजय तक की फील आई। तो इट्स लाइक बिट्स एंड पीसेस ऑफ जॉन अब्राहम की ओन मूवीज, अदर ऐसे इनकाउंटर मूवीज, बट मुझे लोखंडवाला की बहुत
तगड़ी फील आई। मैं स्टिल फिगर आउट ये कर रहा हूँ कि मेरे को मूवी में मैं क्यों जाऊँगा देखने, मुझे ऐसा कोई पंच मिला नहीं कि मतलब जो मुझे ज्यादा फैसिनेट करे, क्योंकि 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, हमारी साहो है उसके साथ, साहो है, मिशन मंगल है, तो और नेटफ्लिक्स पे सेक्रेट गेम्स है, तो मतलब क्या रीजन रहेगा मेरा जो मैं इसको देखूं, वो मुझे इतना ज्यादा कुछ रीजन तो आई थिंक इसको देखने का एक ही हो सकता है, क्योंकि जिस रियल लाइफ स्टोरी पे मूवी बेस्ड है वो स्टोरी अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है, लाइक द सेम थिंग अबाउट ये परमानु, इट वॉज पर से नॉट अ वेरी ब्रिलियंटली मेड फिल्म, बट रियल लाइफ इंसिडेंट जिससे इंस्पायर्ड थी मूवी वो ही इतना इंटरेस्टिंग है कि वो तो एक देखने का मन करेगा कि इस इंसिडेंट का किया क्या, so that would be very interesting because this is like a widely publicized incident. Trailer पे मैं ज़्यादा judgmental नहीं होऊंगा, लेकिन क्या पता movie शायद इससे काफी better हो, हो भी सकती है. For all you know, Nikhil Advani वैसे भी काफी time बाद movie बना रहा है. अच्छा, also like Nikhil Advani की हम बात कर रहे थे, तो the only time Nikhil Advani has done something that is very close to this is D-Day. And despite the box office collection of the films, मुझे film actually काफी अच्छी लगी थी. D-Day. मुझे space बहुत अच्छा लगा था film का, performances वगैरह बहुत अच्छे थे. And मतलब there was a certain sleekness with which he did this. और इस type की movie अगर sleek ना हो ना, तो मतलब बाल नोचने का मन करता है. तो that is there. So I am actually expecting good things from the film. But given it is contending with Mission Mangal and Saho, competition काफी tough है. Competition बहुत solid है. Like इस साल का Independence Day is anyway going to be mad ass. So I don't know. मुझे देखने का मन तो है movie. Trailer भी मुझे अच्छी ही लगी. But yeah, I'm kind of underwhelmed, I would say. But okay. Same goes for me. Major चीज क्या थी जो तुम्हें अच्छी लगी इस trailer में? Again. The topic they have picked is very fascinating. मुझे जानना है इस topic का क्या क्या करते हैं, because easy नहीं होगा ये topic को handle करना. I think मुझे जो starting का जो scene था, जो पूरा sequence था, वो काफी अच्छे से frame था उसका. वो शायद मुझे लग रहा है कि it looks like it's shot well. हाँ, shot well, और वो पूरा sequence बहुत अच्छे से उन्होंने frame किया हुआ. Oh yeah, that's it, I guess.